में हमने पार्ट ऑफ स्पीच में से सबसे पहले पढ़ा नाउन संज्ञा, उसके बाद पढ़ा प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम, उसके बाद पढ़ा हमने एडजेक्टिव, उसके बाद पढ़ा हमने वन, चार चीज़ें हमने पढ़ी। ये संज्ञा हो गई, ये सर्वनाम हो गया, ये विशेषण हो गया, ये हो गई क्रिया। इन चार की परिभाषा, इन चार की पहचान हमने पहले कर ली, आपको पता होगा। इन चार की पहचान हमने कर ली, संज्ञा किसे कहेंगे? अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। प्रोनाउन किसे कहेंगे? अ वर्ड विच यूज फॉर नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। जो संज्ञा के स्थान पर काम आए वो क्या कहलाएगा? सर्वनाम। विशेषण क्या कहलाएगा? ए वर्ड क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन। एक शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताए, विशेषता बताए, उसे हम एडजेक्टिव बोलेंगे। और वर्ब क्या होगी? किसी काम का करना या होना पाया जाए, एक्शन जिसे हम कहते हैं, स्टेट। एक्शन कार्य या स्टेट जो है, स्थिति दशा जो है, वो क्रिया कहलाएगी। आज हम एक और टॉपिक देखते हैं, वो है एडवर्ब। आपकी अधिकांश इसकी पहचान पूछी जाती है सबकी, बताओ नाउन क्या है, बताओ प्रोनाउन कौन सी है, बताओ एडजेक्टिव कौन सा है, बताओ वर्ब कौन सी है इस सेंटेंस में, तो ये ध्यान रखना है। अब आता है एडवर्ब। एडवर्ब होता है क्रिया विशेषण। क्या होता है? एक तो विशेषण हमने एडजेक्टिव पढ़ा है, देखो यहाँ पर, इसलिए मैंने वापस नाम लिखा है। एक तो एडजेक्टिव पढ़ा है विशेषण, अब पढ़ रहे हैं एडवर्ब जो कि होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होता है? An adverb is a word which qualifies, विशेषता बताता है, a verb, an adjective। और एन अदर एडवर्ब क्या है, मतलब क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो कि विशेषता बताए, क्वालिफाइड मैंने विशेषता बताना, एक वर्ब की विशेषता बताए, यानी कि क्रिया की जो विशेषता बताएगा वो क्या कहलाएगा? क्रिया विशेषण। जो क्रिया की विशेषता बताए वो क्या कहलाएगा? क्रिया विशेषण। एडवर्ब एडजेक्टिव क्या था? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम एडजेक्टिव यानी विशेषण कहते हैं। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता जो बताए वो एडजेक्टिव कहलाता है। लेकिन अगर कोई वर्ब की विशेषता बता रहा है, क्वालिफाइज बने विशेषता बताना, कोई वर्ब की विशेषता बता रहा है तो वह क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। वह क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। यानी इसलिए हमने लिख दिया एन एडवर्ब, एक क्रिया विशेषण इज ए वर्ड, एक शब्द विच क्वालिफाई, जो विशेषता बताता है ए वर्ब, एक क्रिया की, और एन एडजेक्टिव, और एक विशेषण की विशेषता बता दे, अगर विशेषण की ही विशेषता बता दे तो वो भी क्रिया विशेषण, और एन अदर एडवर्ब या कोई दूसरा क्रिया विशेषण है उसकी विशेषता बता दे वो क्या कहलाएगा? आपके एडवर्ब कहलाएगा। यानी क्रिया विशेषण की सीधी सीधी परिभाषा क्या हुई? एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच क्वालिफाई ए वर्ब, और एन एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब, यानी कि क्रिया विशेषण उसे कहते हैं वह शब्द जो क्रिया की विशेषता बताए या किसी विशेषण की विशेषता बता दे या कोई दूसरी क्रिया विशेषण है उसकी विशेषता बता दे उसे हम क्या बोलेंगे? एडवर्ब बोलेंगे, यानी क्रिया विशेषण। एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, एडवर्ब क्रिया की विशेषता बताता है। अब आपको कैसे अंतर पता लगेगा ये एडजेक्टिव है कि वो है? जैसे ही रन्स फास्ट,
वह तेज दौड़ता है। इसमें ये फास्ट क्या है, उसकी विशेषता है कि धन की विशेषता है? ये दौड़ने की विशेषता है, वह तेज दौड़ता है या फास्ट दौड़ता है, ये दौड़ने की विशेषता है। यानी कि ये जो फास्ट जो शब्द है, फास्ट जो है ये एडजेक्टिव नहीं है, ये क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। फिर बता रहा हूँ, ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है, ये तेज इसकी विशेषता हो गई। किसकी? ही की नहीं, दौड़ने की विशेषता हो गई, इसे हम क्रिया विशेषण बोलते हैं। ही रन्स फास्ट, ही रन्स वेरी फास्ट, ठीक है ना, ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। आगे देखें, ही इज वेरी फैट मैन। देखो अगर आप मेरे को इसमें ही पूछ ले तो आपको पहचाना जानी चाहिए कि ही किस में आता है, प्रोनाउन में। रन्स दौड़ता है किस में आता है, क्रिया में। फास्ट किस में आता है, एडवर्ब में। ऐसे पहचान करनी है। ही इज वेरी फैट मैन, आपको पूछे इस वेरी का मतलब क्या है, ये वेरी क्यों आया है यहाँ पर, मोटा है, ठीक है, कोई व्यक्ति मोटा है, मोटा होना क्या कहलाएगा, एडवर्ब, एडजेक्टिव, विशेषता। उसकी विशेषता है कि वह क्या है, मोटा है, ये एडजेक्टिव हो गया। लेकिन ज्यादा मोटा है, वेरी किस लिए आया है, ये जो वेरी है ना, ये इस मोटे की भी विशेषता बता रहा है। अब ही की नहीं, इस मोटे की विशेषता बता रहा है, तो ये वेरी जो है वो क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। ध्यान रखें, समझ में आई नहीं बात, क्या कह रहा हूं मैं, जो वर्ब की विशेषता बताए, विशेषण की विशेषता बताए, या अदर कोई एडवर्ब की विशेषता बताए, वो क्या कहलाएगा, वो एडवर्ब कहलाएगा। ये ध्यान रखने की चीज है, पहचान गौर करें। जैसे वॉक ऑन द रोड, केयरफुली, वॉक मैंने चलना है, सड़क पर चलें, कैसे चलें, सावधानी पूर्वक चलें, सावधानी पूर्वक चलना, ये इसकी क्या बता रहा है, चलने की विशेषता हो गई। वॉक क्या है, क्रिया है, ये क्रिया की विशेषता हो गई, केयरफुली, केयरफुली क्रिया की विशेषता हो गई, जिसे हम क्या बोलेंगे, एडवर्ब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जिसे हम, एडवर्ब, वॉक ऑन द रोड केयरफुली। तो आपको पहचान आनी आवश्यक है कि कैसे विशेषता है, ठीक है ना, समझ भाई बात। आगे देखो, द जूस, गौर कर लेना, समझ में आ जाएगा, इज वेरी स्वीट। देखो ये जो स्वीट है, स्वीट मैंने हो गया मीठा है, कौन मीठा है, जूस क्या है, मीठा है, जूस खट्टा है, मीठा है, ये जूस की क्या है, विशेषता है। क्या है ये जूस की, विशेषता है, जिसे हम, जूस जो है नाउन है, तो यहाँ इसकी विशेषता क्या आ गई, एडजेक्टिव, क्या हो गई, एडजेक्टिव, समझ में आई बात। तो पतला है, मोटा है, खट्टा है, मीठा है, ये सब किसकी विशेषता है, यहाँ पर जूस जो है उसकी विशेषता है, तो ये एडजेक्टिव हो गया, विशेषण हो गया। लेकिन ये जो वेरी लगा हुआ है, ये किसकी विशेषता आ रही है, ज्यादा मीठा है, तो ये मीठे की विशेषता हो गई कि अधिक मीठा है, तो ये जो वेरी है ना, ये फिर एडजेक्टिव नहीं है, ये वेरी क्या कहलाएगा, ये वेरी क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। क्यों, क्योंकि ये एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, वेरी, वेरी एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये एडवर्ब कहलाएगा। ये चीज आपको याद रखनी है, परिभाषा सहित ये ध्यान रखें विशेष। अब आपको समझ में आया होगा एडवर्ब कैसे हल करना है अपने को, एडवर्ब की कैसे पहचान करनी है, और एडजेक्टिव की पहचान और एडवर्ब की पहचान में क्या अंतर है, इसको आपको समझना बहुत आवश्यक है। और परिभाषा आसान से याद करें, हिंदी में नहीं आती है तो ध्यान रख लें, हिंदी में क्या परिभाषा हो गई, एक शब्द जो एक क्रिया की विशेषता बताए, विशेषण की विशेषता बताए, या कोई क्रिया विशेषण की विशेषता बताए, उसे हम क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण यानी कि एडवर्ब कहेंगे। ये आपको परिभाषा याद रखनी है। फिर पहचान मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया कि किस तरह नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब में अंतर को पहचानना है।